यह है आपका सबसे अनोखा दुर्गा मंडप, शायद पूरे धनबाद का ध्यान यहाँ आकर्षित करने के लिए काफी है, पर्याप्त है, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा चीज सामने आपके ला रहा है जो आपके घर को लगातार डस रहा है, बर्बाद कर रहा है और नवयुवक को तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ नशे की। नशा आज के डेट में किसी के ऊपर इस ढंग से हावी हो गया है कि आपको विश्वास नहीं होगा, भरोसा भी नहीं होगा। चरस, गांजा, अफीम, दारू, सिगरेट, गुटखा, पुड़िया, सीज, पता नहीं क्या क्या। अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ा है, एक से एक नशा जो है सामने सामने आपको नजर आएगा। और एक बार अगर उस नशे का आप आदि हो गए तो सोच लीजिए कि आप दोबारा उसे खोजते खोजते लीजिएगा ही, लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इस टाइप से सेंसेशन आपके जेहन में क्रिएट कर देता है। हमारे बीच में है मनोज सिंह जी, जरा इनसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने क्रिएट किया है या करवाया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो मनोज जी, सबसे पहले जो आपका दुर्गा मंडप है इसका परिचय दीजिए और साथ में बताइए कि ये जो नशा का जो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, तो इसमें आपको ये योजना, ये तरीका कहां से खोज रहा है। देखिए, भारतवर्ष जो है ऋषियों का देश रहा, साधना का देश रहा, और यहाँ मनुष्य भगवान बनने का कल्पना किया जाता है। तो साधना जो है मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। पहले जो है बच्चे लोग को लोग आश्रम में भेजते कि साधना हो, और साधना जो है मन पर विजय प्राप्त करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो अभी नया नवयुवक जो है देश के जो है नशा की ओर बढ़ते जा रहा है, और नशा जो है, नशा ही मतलब है नाश, तो घर और परिवार को नाश कर रहा है स्वीट पॉइजन की तरह, चाहे वो दारू का हो, गांजा का हो, सिगरेट का हो, अफीम का हो, इसमें लोग घुसते जा रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं। जब आप नशा में जाएंगे, ड्रग्स लेंगे, तो थोड़ा देर के लिए आराम मिलेगा और फिर जो है वहां से फिर आरंभ होगा, फिर लेंगे फिर आरंभ होगा, और आरंभ शुरू और अंत होते हुए मृत्यु की कगार की ओर ले जा रहा। तो ये देश राम का है, दुर्गा का है, तो हम लोग शक्ति का उपासना करते हैं। भगवान राम मनुष्य थे, मनुष्य यहाँ भगवान बनने की साधना थी, भगवान मनुष्य पहले थे, उसके बाद भगवान कृष्ण बने। तो मां शक्ति का उपासना जो करेगा तो बुराई पे अच्छाई की जीत हो, इसलिए माँ दुर्गा का नौ रूप दिखाया गया, शक्ति स्वरूपा। तो जो शक्ति का उपासना करेगा वो तो कलम से, मस्तिष्क से, शरीर से मजबूत होगा। जब शरीर से मजबूत होगा तभी वो राजा बनेगा। पहले राजा कौन बनता था? जो स्वस्थ होता था वही राज करता था। तो आज स्वस्थ होगा वो आईएएस और आईपीएस से बनेगा, बीपीएससी बनेगा। तो हम इस संदेश देना चाहते हैं, यही नहीं पूरे झारखंड से नहीं, यहाँ से संदेश जाए पूरे भारतवर्ष में कि पूरा भारतवर्ष नशा मुक्त हो, झारखंड नशा मुक्त हो। और हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको तुरंत बंद किया जाए, जो युवा पीढ़ी जो उसकी ओर जा रहा है, और आए और सब मिलकर स्वस्थ भारत का मिशन ले, योग करे, प्राणायाम करे और देश की तरक्की को आगे बढ़ाए, और हर घर में खुशहाली आए, हर घर में मिठाइयां बटे, हर नौजवान अच्छे पद पे जाए, यही शुभकामना लेकर हम इस थीम को लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तब तक आप विकास कैसे कीजिएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग सोचने पे आप मजबूर कर सकते हैं, अच्छे चीज आप सोच पाइएगा, वरना नहीं सोच पाइएगा। बीमार इंसान जो है कुछ नहीं सोच पाता बीमारी छोड़ करके। तो जाहिर सी बात है, जब जब आप नशा का आदि बनिएगा तो सबसे पहले वो वार आपके दिमाग पे ही करता है, आपके दिमाग को कुंठित कर देता है, या एक चीज नशा जो है अपराध को जन्म देता है। अपराध किसी तरह का हो वो नशा का ही देन है, उसका जड़ जो है नशा ही है, और यही नशा जो है
धीरे धीरे हमारे देश को खोखला कर रहा है, क्योंकि इसका जड़ अपराध है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, नशा मुक्त होना ही चाहिए। और इसी का प्रेरणा लेकर के इस पंडाल का निर्माण किया गया है कि मां के दरबार में आइए, उनसे आशीर्वाद भी लीजिए और शपथ भी लीजिए कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। के दरबार में आने के बाद अगर किसी का मन नहीं बदले या मन नहीं पलटे तो बेकार है। और दरबार का मतलब है कि आप सात्विक भाव से आते हैं और मां से अपने दिल की बात करते हैं। उस दिल में शायद एक छोटा सा दिमाग बचता है जो बहुत खतरनाक है, वही प्रेरित करता है नशा करने के लिए। कभी सिगरेट पी लो, कभी पुड़िया खा लो, कभी पान खा लो, गांजा खा लो, तंबाकू खा लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये इंडिकेशन जो है दिमाग में हिंट करते रहता है। क्योंकि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसमें टॉक्सिनेशन होता है और वो दिमाग को उत्तेजना उस वक्त चाहिए। टॉक्सिनेशन घटा, दिमाग को डिमांड हो गया कि मुझे अब उसकी जरूरत है, तो ये है नशा। आइए पूछते हैं, हमारे बीच में एक नौजवान है, कि नशा से कितना नुकसान हो सकता है। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। अमित चौधरी, उपाध्यक्ष। हाँ, एक ही बताइए कि ये जो नशा है कैसे कैसे इंसान को खा रहा है। देखिए, तो जो जानकारी के अनुसार देख रहे समाज जी, धीरे धीरे आज के समाज में युवा पीढ़ी किस तरह से महिलाएं बच्चे भी संलिप्त हो रहे हैं, ऑडियो आ रहा है इस नशा में, इसका खामियाजा अगर इस पंडाल को देख के जो जा रहे हैं यहाँ से समाज के जो भी लोग, और वो अगर अस्पतालों में जाएं, मेंटल हॉस्पिटलों में जाएं, तो समझ में आ सकती है कि परिवार किस तरह नष्ट हो रही है नशे को शिकार होकर। और नशा का शुरुआत किन्हीं के घर से नहीं होती है, समाज से होती है। और इस पर बेहद मतलब पाबंदी लगना चाहिए, समाज में लोग जागरूक हो, जो गार्जियन है, जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि एंटी ड्रग्स एक चीज देखिए इसमें एंटी ड्रग्स, और झारखंड में अभी जो तत्कालीन स्थिति है युवा पीढ़ी का पहुंचे तो आपको देखने मिलेगा कुछ दिन पहले अभी रांची में जमशेदपुर में ड्रग्स के कारण अपनी जान तक बच्चे दे चुके हैं। तो इस पंडाल के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए समाज में और जाएगा इस बार, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, इस बार समाज में मैसेज जाएगा, अच्छी मैसेज जाएगी और अच्छी मैसेज जाएगी और युवा पीढ़ी को ही नहीं पूरे समाज को जागरूक होनी पड़ेगी। बात तो आपने सही कहा। तो यहाँ से माँ के लिए कोई शपथ का कोई व्यवस्था है? शपथ का व्यवस्था है, यहाँ पे शपथ लगा हुआ है, जिनको छोड़ना है वो छोड़ेंगे शपथ। बहुत जैसे हम लोगों के कमेटी में भी बहुत सारे आदमी पुड़िया खाने वाले हैं, छोटा मोटा कुछ पान खाने वाले हैं, तो वो भी विचार कर रहे हैं कि ये पंडाल को देखते हुए प्रेरित हो रहे हैं कि हम भी विजय दशमी के आग्रह का शपथ ले लेंगे कि हम भी आज के बाद नहीं खाएंगे। यानी कि आप लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट जो रेडी किया, लगता है कि अब इसका फल आपको नजर आ रहा है धीरे धीरे कि शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले तीन चार दिन में से पंडाल जो बन रही है, लोग आ रहे हैं, हर लोग ये कह रहे हैं कि एक थीम बहुत अच्छा है जो समाज में कुछ मैसेज जा रही है, और इस मैसेज से कुछ ना कुछ, ठीक है 100% नहीं आएगा, 5% लोग तो बदलेंगे, फिर 5% बदलेंगे, बदल के समाज एक नई दिशा में जाएगा। बहुत उम्मीद के साथ जो है, और मैं सारे मीडिया कर्मी को भी दुर्गा पूजा की बधाई देता हूँ, झारखंड वासियों को भी दुर्गा पूजा की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।